नमस्कार, प्रथम खबर सहित मो अपूर्व प्रथम हेडलाइंस। 100 कोटी डोज टीकाकरण रे भारतर रेकर्ड, देश को मिली कोरोना विरोध में सुरक्षा कवच। सफलता पर डाक्टर नर्स को धन्यवाद दे प्रधानमंत्री, ट्वीट कर देशवासी को अभिनंदन जनइले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पुलिस मिछ घोड़ा अभियान बनाम सत जमानबंदी, गृहराष्ट्रमंत्री को बचाई पुलिस बड़ षड्र। मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू को पुणी जेरा, सेबड़े क्राइम सीन रिक्रिएसन हो सूचना। ममिता मोबाइल रे महालिंग मिस्ट्री, कुआडे गला ममिता मोबाइल, मोबाइल वीडियो हो मर्डर। डीआईजी कहले मोबाइल उपरे रही नजर, प्रश्न वीडियो रे थिले कि कैप्टेन। आर्यन परे ड्रग्स जालरे चंकी पांडे झियो एक्ट्रेस अनन्या, घरे रेड परे पचराउचरा। सबड़े पुओ को नहीं पूरा हलानी शाहरुख और गौरी मन्नत, किंतु नोटिस नहीं मन्नत रे एनसीबी एंट्री। सोशल मीडिया उपरे डोनाल्ड ट्रंप का राग, आरंभ करिवे निजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर फेसबुक भली सामाजिक गणमाध्यम को करिवे मुकाबला। पूर्वरु टीवी चैनल नेटवर्क करिवा को करिछंती घोषणा। लोप पाइबा को बसिलानी पारंपरिक जीविका कौलिक वृत्ति, अत्याधुनिक मेसी लोकप्रियतार हजिबारे लागिछि कमारशाल। सरकारी स्तर में नहीं कौन सहायता, हाथ बांधि बसी कमारशाला कारीगर। कैपिटल हॉस्पिटल डाक्तरों ना ठके अभियोग, हॉस्पिटल रे चिकित्सा नक नर्सिंग होम को रेफर कले डाक्तर, टंका खर्च कर हैरान हेले गरीब रोगी। नर्सिंग होम रेफर करने को किए देला डाक्तर को अधिकार। सापों सुरक्षा में समर्पित नयागढ़ जिलार जगन्नाथ साहू, 4 वर्ष में 3000 अधिक सापों उधार, सापों पर साजिंट जीवनदाता। साप और मनुष्य मध्य निरा बंधुता सृष्टि बार्ता। देखा संपूर्ण खबर। वैक्सीनेशन रे भारतर रिकॉर्ड, 100 कोटी टीकाकरण मैजिक नंबर छुईला देश। भारतीय विज्ञान और 130 कोटी देशवासी विजय। सफलता पर डाक्तर नर्स को धन्यवाद दे प्रधानमंत्री, ट्वीट कर देशवासी को अभिनंदन जनइले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। टीका देवारे बड़ माइल खुंट हासल कला भारत, विश्व करुछि एबे भारतर प्रशंसा, देश पालुछि एबे 100 कोटी टीकाकरण उत्सव। देशरे पूरा होइछि रेकर्ड टीकाकरण, भारत भली देशरे 100 कोटी डोज टीका दिया सरिछि, जोंटी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एवं जर्मनी भली विकसित देश मध्य पहुंची पारि नाहंती, से माइल खुंट हासिल करिछि आजि भारत। एक मील के पत्थर की के तरह का आज मौका है और आज ये दिन है, बहुत खुशी का दिन है। नहीं, जल्दी 100 करोड़ टीके लगे, मतलब बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए कि 100 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है। प्रथम लहर कोरोना माड़ भारत सड़कुवा बेले देश में द्वितीय लहर तांडव आरंभ हो जाए, समय सब बड़ चिंता थाए कोविड टीका केउठारु आसिबो। विदेशी टीका उपरे निर्भर कलानी भारत, देशर निज टीका उद्भावन पर लागि पड़िले देशर वैज्ञानिक मान। देशर टीका उत्पादन पर भारत बायोटेक एवं सेरम भली संस्था लागि पड़े, एथिपाई केन्द्र सरकार मध्ये घोषणा करती 35,000 कोटी रो बजेट। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। सफलता मिलला, देशर उत्पादन चलला देशी टीकार। शंका आशंका को और बढ़ाया गया, वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए,
इन्हें भी देश देख रहा है। किंतु सबुठारु बड़ चिंता थिला केमिति पहुंचिबो साधारण लोकंक पाखरे ए टीका आ ए लढ़ई रे आगु को आसीथिले डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी को भली कोविड योद्धा माने। जनवरी 16, 2021 आरंभ होइतिला टीकाकरण अभियान एवं एबे आसी से माइलखुंट हासिल करिछि भारत। देशर 100 कोटी डोज टीकाकरण संपूर्ण होइछि एवं ए बड़ उपलब्धि रे देशर प्रधानमंत्री देशर जनता एवं डाक्टर एवं कोविड योद्धा मानकु करिछन्ति प्रशंसा। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सब देश में 100 कोटी कोरोना टीका दिया माइलखुंड को पालन करने को भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था एएसआई पक्ष देशर 100टी प्रसिद्ध ऐतिहस्थली को आलोकित कर जातीय पताकार तीनोटी रंगर आलोक द्वारा यह 100टी भास्कर्य को आलोकित कर ओडिशार विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर को त्रिरंगा आलोक आलोकित कर आलोकित होता अन्य यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थलगुड़िक रही लाल किला ह्युमायुन कबर कुत्त मीनार हैदराबाद्र गोलकुंडा दुर्ग तमिलनाडुर मामलापुरम रथ मंदिर कोलकातार पुराणा करेन्सी बिल्डिंग आलोकित हो बड़ खबर वर्तमान समय आसी पहुंचुची ममिता मेहर मर्डर मामला बॉडी भोरु करागला पूरा क्राइम स्कीन सीन रो रिक्रिएशन अभियुक्त गोविंद साहू देखाइला डेमो जे केमुली बाबे ममिता को मर्डर करी से सेठरे पोतीथिला पुलिस थावनी रे प्रथमे गोविंद को घटनास्थल तथा ममिता मृतदेह उद्धार होइतबा स्थान को निया जाइतला सेठरे ममिता को हत्या परे किपरि बॉडी पोतीथिला तार डेमो देखाइछि गोविंद साहू। बड़ खबर जे वर्तमान समय आसी पहुंचुची ममिता मर्डर मिस्ट्री को नै जे क्राइम सीन रही रिक्रिएशन गोविंद साहू को घटनास्थल को निया जो ममिता मृतदेह उद्धार करमिता किभली भाव पोड़ की पोती गोविंद साहू से नहीं पूरा सीन रिक्रिएशन कर गोविंद साहू पूरा सीन डेमो देखा पुलिस से छाउणी में गोविंद को निया बड़ी भोर यह चित्र आम आप पहुंचाऊ संतोष जेना आम प्रतिनिधि अच्छा संतोष बड़ी भोरु सीन रिक्रिएशन करा जाइतबार खबर आसुची कौन अपडेट देखु निस्ताब अपूर्व कहा जाता विलंबित राति नले अपराह क्षमा करेंगे जे भोर समय गोविंद साहू को घटनास्थल को सीन रिक्रिएशन करने बलांगीर पुलिस नहीं पारे एवं वर्तमान समय ताजा सूचना आसी पहुँचुची जे गोविंद साहू को वर्तमान सीन रिक्रिएशन करने आई पाखापाखी 10 मिनिट धरी ताकि घटनास्थल रखाई है और सबुठ बड़ कथ जानते जमती कहुला जे काले घटनास्थल उत्तेजनामूलक परिस्थित सृष्टि हो कहीं जितेबाला गोविंद साहू को या पूर्व कोर्टे हाजर करा बंगबल मारा सहित टेका पथर लोक फिंगी थे और पुणि थे से प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति किभली भाव न सृष्टि हे से ही सीन रिक्रिएशन भोर भोर कराई एक्सक्लूसीव भिजुआल जहाँ अर्गस हाथ में लगी किभली भाव निगला घटनास्थल डीआईजी उपस्थित रेपर ताक सीन रिक्रिएशन कराला पुलिस प्रथम ही कहला आम पाखे जी तथ्य प्रमाण अच्छी आम विशेषकर चार सीट्रे जिते शीघ्र हम चार्जसीट करूँ और कोर्टे जथेष तथ्य प्रमाण हासिल करूँ ये लक्ष्य नहीं बर्तमान समय पुलिस काम करुच्चे किंतु घटना शेष से कथ सीन रिक्रिएशन रिक्रिएशन एवं सब बड़ कथ हमें कही परिवा जे गोविंद साहू सहित अन्य अभियुक्त को काली सामना सामने जेरा कराईपर जहाँ भी सूचना आसला एम गोविंद साहू को जवाहला डीआईजी सहित एसपी एवं आउ किसी वरिष्ठ अधिकारी माने भोर समय उपस्थित थिले एवं ताकू सही क्राइम स्पॉट को लेकिन जाइंटी जोटी से जोटी से खोलिकी पोतिला से जगह को लेकिन जा
ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରାଇମ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, ଛୁଆଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ଏ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରାହଉଛି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନେଇ ସାରିଛି, ଯେ ରାଧେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଇ ସାରିଛି। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କହିସାରିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଳ କରାହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ସେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ବଦଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ହାସଲ କରିବ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, 4 ଦିନରେ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏବଂ ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲର ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପଡ଼ା ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବ୍ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ନେଉଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ଜାଳିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଟାୟାର ନୁହେଁ କିଛି ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଅଣାହୋଇଛି ଏବଂ ମାରିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ JCBରେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଡ଼ କରାହୋଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହୋଇଛି, ପୋଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ରାଧେ, ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ଆଉ 3 ଜଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଥାନାରେ 2 ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଭା ସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠାଇପାରେ, ଜେରା କରିପାରେ, ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିପାରେ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମମତା ମେହେରକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମମତା ମେହେରକୁ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ସେଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଚପଲ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଜେରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ମୁଖରୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, କେଉଁଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ନେଇ ପୋତିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ସହିତ, କାରଣ ଅନେକ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ମମତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାତି ଅଧ୍ୟା କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ନେଇକି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏହା ସତ, ତାହେଲେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, କାହା ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ଆଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଆଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ, ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତ କାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ରାଧେକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ କଲେଜର ମୁନିଷ ଥିଲା ରାଧେ, ଯିଏକି ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ,
ताठू पुलिस वर्तमान क्यों क्यों तथ्य पाई आधार कर तदंत प्रक्रिया आगे बढ़ाऊ से कि नहीं ता बड़ प्रश्न सेपटे कहुचे ममितार मोबाइल को सीज कर ममितार मोबाइल कुआडे गला पुलिस पाखे जब मोबाइल अच्छे से मोबाइल रे थे जो भिड कथा सामना को आसूसी जहाँ को नहीं गोविंद को ममिता मेहर कुआडे ब्लाकमेल करुला कदि ब्लाकमेल करुला पुलिस पाखक गोविंद कौन पर गलानी एवं से भिडियो अच्छी कि पुलिस पाखे एवं से भिडियो केवल गोविंद साहू अच्छा ना से कैप्टेन मिश्र तापर्यंत खुलासा होना तो तमाम दिग बर्तमान बुढ़ियाणी जाला भली रही बर्तमान अड़ुआ हो एवं गोविंद साहूर क्योंटना क्योंटी वर्तमान परिस्थिति अड़ुआ धीरे धीरे बढ़िवार लगी। संतोष जेना आम प्रतिनिधि लगातार भाव आम सहित अच्छा अधिक सूचनापी संतोष अनेक प्रश्न वर्तमान सुधा सामना को आसूसी जो प्रश्नगुड़िक एपर्यंत असमाहित हो रही पुलिस ए दिगरे तदंत आगु को बढ़ाऊ कि नहीं ताहादेह से प्रश्नगुड़िकर उत्तर पुलिस केते शीघ्र देव एवं कौन आकलन पुलिस तदंत प्रक्रिया को देखिले जे तमाम प्रश्नर उत्तर मिल तो देखु राति अधिया भोर समय रे लुचि लुचि क्राइम सीन रो रिक्रिएसन या भाव में अपूर्व गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि कराईकना आप जानते जो पुलिस पड़िया भितर को प्रवेश करते गणमाध्यम प्रतिनिधि को बारण करुच्ची निहत भाव में आम कह से पड़िया भितर जो खोलाई जो पोड़ाई जो प्रमाणपत्र अच्छी प्रमाणपत्र नष्ट जो चेष्टा कराई निहत भाव से जगह को साधारण लोक गणमाध्यम को बारण करवा ठीक अच्छे उचित अच्छी किंतु डीआईजी गोटे बड़ कथा आप देखु जे घटना को किभ भाव में पुलिस केवल अपराधी अपराध पाखे सीमित रखुची किंतु अपराधी पक्षरे किए अपराध पक्षर कारण कौन ए घटना को बिल्कुल भी ध्यान देन कथा एवं बलांगीर पुलिस लुचि छपी भोर समय कहीं सीन रिक्रिएसन कला कहीं सर्वसाधारण लोके न जापारे सीन रिक्रिएसन से पिशाच केमी जड़े युवती मारा किभली भाव में पोड़ा और जेसीबी केमी खंड खंड कला से डेस्क बेंच रे केमी पोड़ा और टायर कौटू आनलाकू किए सहयोग कला निआ जो लगे से किए किए देखी थे ये कथ को कहीं आणुनि बर्तमान समय जहाँ कहुच्छ उत्तरांचल डीआईजी सहित कलाहांडी और बलांगीर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैंने सामिल थे कहुला जो स्टाडियम भितर आज पहांतिया समय कड़ा सुरक्षा बल थी अर्थात आम एक कहपर जे पहांतिया समय गोविंद साहू जो जा काले लोकर आक्रोश शिकार हेबो एवं काले समस्या सृष्टि हेबो सेतिपाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर मध्य पुलिस गोविंद साहू को सीन रिक्रिएसन करिया को नहीं आज जो तीन दिनिया रिमांड रे क्षमा करिए पांच दिन रिमांड रे आज हूँ तृतीय दिन एवं आज ही सीन रिक्रिएसन पुलिस कर दे सारी निहत भाव में या पर सामना सामनी जेरा करा जीव काकुना जो आभा सिंहदेव कथा कहतु और आउ कॉलेज रंजित साहू कथ कहतु जो मैंने मास्टर माइंड जो मैंने पूरा घटना पक्षर कारपटदार बोली खबर आसुची सहित तो कौन प्रकृत संपर्क अच्छी से सब किए किए एवं से सहित तो कॉलेज रे कौन संपर्क थिला ये सब घटना को वर्तमान समय पुलिस सामना को आणव यह भितर आउ गोटे कथा आसूची डीआईजी को बारंबार जो पचरा जे बड़ कथा पचरा आप जो गृहमंत्री गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ना आसूब मंत्री प्रताप जेना ना आसूसी ना जो आसूत दूर पचराउचरा कर गोटे घर स्कूल को कहीं एत अहेतुक अनुकंपा देखा कहीं कोटि कोटि टंकार आर्थिक साज्य सहयोग कराला कलाहांडी भाई जिले में जोटी अनेक स्कूल रे शिक्षक नांती गोटी स्कूल रे भित्तिभूमि ना कि घर शिक्षानुष्ठान प्रति कहीं प्रेम उठि उछुड़ी पड़ूला एक केवे पुलिस भी जाणी को चेस्टा करूँ कि पचारूनी और सर्वसाधारण एक प्रश्न जे मंत्री प्रताप जेना देखूँ जे हेलिकप्टर में आसुले सभा समिति में जोग देवाई एक से करते कि कौ पहाड़ी इलाकर कौन अपहंच इलाकर स्कूल को केवे से हेलिकप्टर में जा पिला मनोबल बढ़ायापी से किसी कथा कहते कि ये प्रकार कथा ये न देखाई किंतु गोटे घर स्कूल को एत बड़ बड़ नेता मंत्री आसवा तापी सरकारी टंका व्यय करके सरकारी टंका से अनुदान दवा निहत भाव में एमती गोटे बड़ घटना बड़ सन्देह मन भितर अंकि मारूँ जे प्रकृत में गोविंद साहू पचरे जहाँ भी था एने समस्ते तार भागीदारी थे जो गोविंद साहू को अहेतुक अनुकंपा देखा गोविंद साहू पचरे ढड़ा होते गोविंद साहूर एक क्राइम पचरे
निहत भाव में किसी बड़ लोक हाथ अच्छी और मोबाइल पोड़ दिखाई सत कितु आज भी से पेनड्राइव हार्ड डिस्क जोटी ममता मेहर युड़ रखिंट सेगुड़ी पुलिस बाहर करार आवश्यकता अच्छी सेगुड़ी समस्त सामना को आने आवश्यकता अच्छी प्रकृत में ताकि किसी बड़ व्यक्तित्व नहांती तो जमी ममिता पर लोक अभियोग करुँच गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ठू आरंभ कर बड़ बड़ लोकों भिडियो से मोबाइल रे अच्छी ये घटना सत नुहे तो आदि सत होता है डीआईजी ए घटना को सामना को आनी पारे तो कितु भोर भोर लुचि लुचि आज पुलिस जिते सीन रिक्रिएसन करे पखापाखि कह दस मिनट धरी गोविंद से कला कहानी को बखाणी पुलिस आगे केमी प्रथम जो चांदतारा छक निकटर ताकि गाड़ी आनलापर भवानीपाटना केमती गला आसला बेले के जुक्तितर्क है केमी तंटी छिपी मारापर क्या क्या डाकिला और टायर के आनला डेस्क बेच किए बोक आनला तमाम प्रक्रिया संपर्क आज गोविंद ठू गोविंद मुहर शुणी पुलिस आग को तदंत दिग के जेहेतु आज रिमांड तृतीय दिन तेणु आउ क्यों क्यों प्रसंग को नहीं वर्तमान पुलिस तदंत को आगे बढ़ाऊँ पूरा राज्यवासी नजर संतोष परवर्ती बुलेटिन पुणे आप फिर आउ किसी अपडेट पर बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना माँ का पूजा पाई सजे होइछि भद्रक वासुदेवपुर ब्लॉक बेतड़ा बाजार राज्य में बेतड़ा बाजार रही एक स्वतंत्र स्थान चलित बर्ष बाजार चारोटी पूजा मंडप रे गजलक्ष्मी समेत विभिन्न देवादेवी पूजा करा जाउछि धरापृष्ठ को अवतरण करिछंती माँ गजलक्ष्मी माँ को पूजा पाई सजे होइछि भद्रक वासुदेवपुर ब्लॉक बेतड़ा बाजार चलित बर्ष बाजार चारोटी पूजा मंडप रे गजलक्ष्मी समेत विभिन्न देवादेवी पूजा पाउछंती सबु मजा को फिका कर देछि करोना कटकणा ना अच्छी आनंद उल्लास ना जमुछी भक्तों भिड़ सबुआड़ लगुची खाँ खाँ केवल मंडप रे कटकणा मध्यरे चली माँ को पूजा अर्चना प्रशासन समस्त प्रकार सुव्यवस्था को आखि आगे रखी एवं अनुष्ठान कड़ाकड़ी नियम को मानि आम जाहो माँ को नीतिकांति को संपादन करूँ एवं सकाळे माँ को पुणी द्वारपाल पूजा सूर्य पूजा अन्यान्य भोग आरती होम चंडी पाठ इत्यादि करा वर्तमान से कोविड कटकणा को आखि आगे रखि भक्त मानकर निराडम्बर भाव में मुखरित होता अनुष्ठान आज निराडम्बर भाव में ये अनुष्ठान आज चलचंचलन होते सर्वपुरातन कमिटी अनुसार जहा उत्सव मुखर होई कोरोना जो आमर इटी भलसे आमर पालन हो पारना बहुत कटका रोचे एवं आम बेरिकेड रोचे आम पूर्व आम आमको माँ को दर्शन करने को पड़ी आम माँ को खुलम खुला आम दर्शन कर पारना आगर आम बहुत भलसे सांगसाथी मान या गोटे आमको मौका थाए आम सब पुराणा सांगसाथी मैंने स्कूल सांग कलेज सांग मान सहित आम देखा साक्षात होटा भी हो पारना आठ बहुत पूजा बजार बसी थाए बहुत भल मेला बसी थाए बहुत मिस गजलक्ष्मी पूजा पाई सारा राज्य रे बेतड़ा बाजार रही एक स्वतंत्र स्थान तेरे कोरोना पाई सबु जमी फिका पड़ जा मंडप को भक्तों प्रवेश निषेध थिबा बेले मंडप बाहर लगी कोविड सचेतनतार बैनर किंतु भक्तों मन बुझुनी माँ का दर्शन पाई टाणी हो आसुछंती भक्त यो शारदीय उत्सव गजलक्ष्मी पूजा अवसर में मुझे सर्वप्रथमे मो बरुंडा पंचायतवासी को मोर शुभेच्छा तत्संगे संगे मोर आंतरिक अभिनंदन एवं माँ को पाखे मुझे प्रार्थना करी ये कोविड कटका भितर जो आम गजलक्ष्मी पूजाटा पालन करुचु आम पंचायतवासी जो प्रकार से उपभोग करुले पर्वटी को जमी बंधु बांधव सहित गहली जनगहली लग रोला दुकान बजार मेला उत्सव मीना बजार ठू आरंभ कर जात्रा पर्यंत सब होता एटी आमर ये जो मंडप अच्छी महालक्ष्मी पूजा मंडप एटी आम व्यवसायी मान दान भक्त मान महत दान आम माँ को जो मेढ़टी समस्त तर आभूषण सब चांदी आम एवर्ष माँ को मंदिर को जे इनोभेशन कर तार हूँ तार सौंदर्य बढ़ावाई चेष्टा कर एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में जो ये अंचल जिते बुद्धिजीवी अच्छा व्यवसायी अच्छा एवं आम कमिटर सदस्य मैंने समस्त सहयोग रही थी बारु जो प्रथम 1947 मसीह बरड़ापल्लू आरंभ होता महालक्ष्मी पूजा
ଆଜି ଏହି ଦ୍ୱିତଳ ପ୍ରସାଦରେ ହୋଇପାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମେଲାଣି। ତେବେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସାନମ S4 ବାର୍ଷିକ SDG କନକ୍ଲେଭରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମାଧାନ କମ୍ପାନୀ ସାନମ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପୋଷଣ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।